अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास जनरल साइंस का स्टार्ट किया, वो था सेकंड चैप्टर, जिसमें हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ना है मुख्तलिफ हवा में मुख्तलिफ गैसों का अमेजा। मुख्तलिफ गैसों के अमेजे में चंद गैसेस जो थी वो हम लोगों ने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर में, जिसमें सबसे पहले हमने हवा में ऑक्सीजन का किरदार डिस्कस किया था। आज जो हमारी जो दो बाकी रह गई हैं गैस का किरदार वो पढ़ना है, जिसमें हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार और सेकंड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का किरदार। हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार क्या क्या है, ये किस तरह इस्तेमाल होती है और इसकी मिकदार क्या है, इससे पहले हम लोगों ने ऑक्सीजन की कर चुके हैं, वो मैं आपको दोबारा फिर बता रही हूँ। तो उसके बाद हमारे सेकंड है हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार, थर्ड हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किरदार। हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार में आप देखेंगे कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे नाइट्रोजन फ़ज़ा में दो एटमी मॉलिक्यूल हालत में पाई जाती है, ये दो एटमी मॉलिक्यूल ही हालत में पाई जाती है कि दो एटम से मिलकर। इसके बाद अगर इसकी हम मिकदार का देखें कि ये किस सूरत में और कितनी पाई जाती है, तो हवा में बिलहाज हजम सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला ये जूस है, सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला नाइट्रोजन फ़ज़ा में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जूस कहलाता है। इसकी बात अगर हम ऑक्सीजन के साथ की जाए तो ऑक्सीजन की नस्बत कम हामिल है, इसलिए हवा में इसकी मौजूदगी से जो जंग लगने के अमल को ये काम करती है। ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करती है, लेकिन नाइट्रोजन की अगर बात की जाए तो ये जंग आलूदा जो चीज़ें हैं उनको कम करने में मदद करती है। नेक्स्ट अगर इसको देखें तो नाइट्रोजन पौधों में, अगर हम इसकी बात करें तो पौधों में इस तरह से हैं कि पौधों और जानवरों में प्रोटीन की सूरत में पाई जाती है। नाइट्रोजन पौधों और जानवरों में प्रोटीन की सूरत में पाई जाती है कि मतलब उनको खुराक बनाने में और बनने में मदद देती है। इसके साथ नाइट्रेट्स फसाई नाइट्रोजन और ज़मीन में मौजूद अमोनिया के कंपाउंड से तैयार किए जाते हैं। जो नाइट्रेट्स फसाई होते हैं वो नाइट्रोजन की मदद से अमोनिया गैस और कंपाउंड से मिलकर बनाए जाते हैं। लास्ट इसमें जो एम और इम्पोर्टेंट आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकता है और इसके एमसीक्यूज भी, जो है नाइट्रोजन चक्कर। नाइट्रोजन चक्कर क्या होता है? नाइट्रोजन चक्कर में हम देखते हैं कि मुसलसल और एक फितरी तौर पर होने वाली, फितरी की खुद ब खुद होने वाली और जो मुसलसल एक अमल होता है जिसमें क्या है, जिसमें नाइट्रोजन जानदारों से मिट्टी और मिट्टी से जानदारों में मुंतकिल होती रहती है, कि दोनों में क्रॉसिंग का अमल चलता रहता है कि एक चीज़ से दोबारा मिट्टी जानदारों में और नाइट्रोजन जानदारों से मिट्टी और मिट्टी से जानदारों में मुंतकिल होती है, मतलब नाइट्रोजन जानदारों में भी हुई और मिट्टी में भी मौजूद हुई। तो इस तरह ये मुसलसल होता रहता है और मुंतकली इनकी एक साथ होती रहती है, तो ये अमल क्या कहलाता है कि नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। नाइट्रोजन चक्कर का मतलब आप कह लें नाइट्रोजन साइकिल, कि एक चीज़ को दोबारा रिपीट हो जाना, तो नाइट्रोजन चक्कर कहलाता है। ये हवा में नाइट्रोजन गैस का किरदार था। नेक्स्ट जो हम लोगों ने करना है वो है हवा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किरदार। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का किरदार, जैसे इससे थोड़ा सा बरक्स है, जैसे इसमें नाइट्रोजन चक्कर था इसमें कार्बन चक्कर है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड के अगर हुजम के लिहाज से बात की जाए तो ये तकरीबन 0.03% होती है, 0.03% होती है। कार्बन चक्कर में हम देखें कि कार्बन चक्कर किसे कहते हैं, फोटोसिंथेसिस का अमल जिसमें फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है, कि फ़ज़ा में मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस्तेमाल होती है। लेकिन रिस्पायरेशन के अमल क्या होता है, रिस्पायरेशन के अमल में गलने सलने के अमल से कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फ़ज़ा से वापस आ जाती है। तो जो दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाना कार्बन डाइऑक्साइड का और फोटोसिंथेसिस के दौरान फ़ज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होना, तो इन दोनों के दरमियान जो अमल होता है इस अमल को कार्बन चक्कर कहते हैं, कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिपीट हो जाना, कार्बन डाइऑक्साइड का रिपीट हो जाना इस तरह के फोटोसिंथेसिस के अमल में फ़ज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल हो रही है। और रिस्पायरेशन के अमल में, रिस्पायरेशन का अमल क्या कहलाता है, रिस्पायरेशन के अमल में गलने और सलने के अमल में कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा फ़ज़ा में आ जाती है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड फ़ज़ा में मौजूद थी इस अमल को दोबारा स्टार्ट हो गया, तो इसको कहते हैं कार्बन चक्कर, कार्बन साइकिल कहा जाता है। इसके साथ 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 हम देखें कि इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट, जिसे ग्रीन हाउस असर भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड सूरज से आने वाली बाज़ नुकसानदार शुआओं को रोक कर जानदारों को इनसे महफूज रखती है, कि जो जानदार होते हैं वो अल्ट्रा वॉलेट शुआएँ जो सूरज की तरफ से आती है उनको रोक कर जानदारों से महफूज रखती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है। लेकिन इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट में अगर देखें तो जो कार्बन चक्कर होता है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है वो गैर मुतवाजन हो जाती है, जैसे इसमें है कि रिस्पायरेशन के अमल में गलने सलने के अमल दोबारा कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होगी हवा से, तो ये गैर मुतवाजन हो जाता है कार्बन चक्कर। कार्बन चक्कर का गैर मुतवाजन हो जाना
कार्बन चक्र का गैर मुतवाजन हो जाना किस चीज़ की निशानदगी करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट की निशानदगी इस चीज़ के सामने आती है कि जो टेम्परेचर, ज़मीन के टेम्परेचर की मिकदार है वो बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे सामने आता है। थैंक यू सो मच।